यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ याद किए गए गुरु आदि गुरु शंकराचार्य आजमगढ़ जनपद में प्रकाशन शंकराचार्य की जयंती शुक्रवार को ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडेय के अलवल स्थित आवास पर मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडेय ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांगों के प्रवर्तक एवं महान दार्शनिक थे। प्राचीन भारतीय परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य का महान योगदान है। सनातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ एवं ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। भगवत गीता, उपनिषदों एवं वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई शंकराचार्य की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। इस अवसर पर महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु, माता का नाम आर्यंबा था। उनका मानना था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और जगत अलग अलग नहीं है। इस दौरान महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी, विश्वदेव उपाध्याय, सतीश कुमार मिश्र, गिरिजा सुवन पांडेय, सतीश पांडेय, गोविंद दुबे, निशीथ रंजन तिवारी आदि उपस्थित थे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। ब्रजेश नंदन पांडे अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आज परिषद के कैंप कार्यालय पर आज गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है। विगत 20 साल से हम लोग आज गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाते हैं। आज गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालाड़ी गांव में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करते समय उनकी माता ने यह वचन लिया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम करना। संन्यास विधि के अनुसार परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने माता को वचन दिया था, इस नाते माँ की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। उस समय 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म जो था वह राजाश्रम में पलते हुए पूरे भारत में बौद्धों का एक तरह से दबदबा था। सनातन धर्म मृत प्राय हो गया था। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांग का गहन अध्ययन कर पूरे भारत में सभी ब्राह्मणों से, विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उस पर विजय प्राप्त करके उन्होंने 4 अमनाय पीठ की स्थापना की। उन 4 अमनाय पीठ में श्रृंगेरी मठ जो रामेश्वरम में है, गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में है, शारदा मठ व द्वारिका पीठ जो गुजरात में है और ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है। यही चारों जो है अमनाय पीठ भारतीय धर्म संस्कृति और सनातन धर्म की असली पीठ मानी जाती है और इन्हीं के शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के एक प्रवर्तक माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को दीक्षित कर किया, जिन्होंने बौद्धों से संघर्ष करके सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के लोग समाज से अपेक्षा करते हैं कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चले। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।